तो चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो पहला पॉइंट आता है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो सॉल्ट का कैटेगरी होता है, सॉल्ट का कैटेगरी होता है, तो ध्यान देना। इस कैटेगरी पे हम बात करें अगर हम, तो सॉल्ट को तीन कैटेगरी बांटा गया है। तीन कैटेगरी क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान देना, आपके सामने नोट्स में दिख रहा हो आपको। ठीक है, तो सॉल्ट का तीन कैटेगरी होता है आपके पास। एक होता है सिंपल सॉल्ट, जैसे आप सीखते हो NaCl KCl। ठीक है, इन सबको बोला गया सिंपल सॉल्ट, NaCl KCl N2SO4 L2SO4 ये सब सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। अभी सॉल्ट के आगे देखो कुछ रेशियो लिखा हुआ है, तो रेशियो ध्यान देना। तो रेशियो में यहाँ देखो 1:1 लिखा हुआ है, तो जो चार्ज है ना, कटायन एनन का जो चार्ज है उसी रेशियो के यहाँ पे लिखा गया है। जैसे सोडियम सल्फेट है तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा, +1 होगा, और सल्फर पे क्या होगा, 2 होगा। इसको उल्टा लिखोगे यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर देना, 1:1:2 लिखोगे इसको। ठीक है, सिमिलरली आप अगर ध्यान देना और आप लिख रहे हो L2SO4 के बारे में, तो इसमें एलुमिनियम पे चार्ज क्या है, तो एल का चार्ज +3 होता है, और सल्फेट का चार्ज क्या है, सल्फेट का चार्ज आपके पास क्या है, -2 है, -2 है। तो सल्फेट अगर -2 होगा तो यहाँ पे चार्ज का रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। तो यहाँ भी इसको हटा दो, यहाँ पे होगा क्या, 3:2 इसका आंसर होगा। अगर सिंपल सॉल्ट में एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं हम, बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट को हम लिख सकते हैं, तो चूंकि कटायन पे चार्ज +2 है और अनायन का भी चार्ज क्या है, -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:2 सॉल्ट। सॉल्ट इससे हम लोग सॉल्ट टाइप पहचानते हैं, सॉल्ट टाइप। ठीक है, तो जो रेशियो है सॉल्ट टाइप बता देगा सॉल्ट का टाइप क्या है। तो सिंपल सॉल्ट में हम ये सॉल्ट टाइप बताने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सॉल्ट को तीन कैटेगरी बांटा गया, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग का पूरा का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो डील करता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वो डील करता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, वो डील करता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से पहले हम लोग सिंपल सॉल्ट के बारे में जानते हैं, फिर डबल सॉल्ट के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो जानना सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो जो सिंपल सॉल्ट होता है, जैसे कोई भी सॉल्ट है उसको अगर आप वाटर में डालोगे ना तो आपको आयन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि Na2SO4 को डालो पानी में, आप वाटर में, इसमें आयनाइजेशन होगा, और आयनाइज होकर क्या मिलेगा आपको, Na+ मिलेगा, एन आपको सल्फेट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट में अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप ये दोनों आयन अगर आपके पास सिस्टम में रहेगा तो वापस आप सॉल्ट को ला सकते हो, यानी आप आयन को पहचान करके बाकी सॉल्ट के बारे में आप मेरे को बता सकते हो। अगर हमको दिखेगा कि सोडियम आयन और सल्फेट आयन है, इसका मतलब क्या होगा, जो जिस कंपाउंड को हम डाले हो क्या होगा, सोडियम सल्फेट होगा। तो कहीं ना कहीं सिंपल सॉल्ट से हमें क्या होगा, बैकवर्ड हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। बैकवर्ड रिट्रेसमेंट का मतलब आयन्स को देख के हम पीछे का सॉल्ट पहचान सकते हैं सिंपल सॉल्ट में। ठीक है, डबल सॉल्ट में क्या होता है, तो ध्यान देना, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया आपके पास, जैसे एलम, ठीक है, मोहर सॉल्ट। एलम का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो K2SO4 .L2SO4 .24H2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम, हिंदी बोला गया फिटकरी, इसको कॉमन टर्म बोलते हैं फिटकरी। ठीक है, तो K2SO4 .L2SO4 .24H2। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया मोहर सॉल्ट का, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो टाइट्रेशन में, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है जी, Fe4.NH4 2SO4.6H2O, ये होता है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। अगला डबल सॉल्ट क्या पॉसिबल है, तो एक होता है कार्नालाइट, ये ओर के बारे में पढ़े होंगे कहाँ पे, मेटलर्जी में। ठीक है, तो मेटलर्जी में आपको कार्नालाइट के बारे में बताया गया होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो होता है KCl.MgCl2.6H2O, ये होता है आपका कार्नालाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मोहर सॉल्ट का आपको मोलर मास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना काउंटिंग करना आपके पास पॉसिबल नहीं होता है, और मोहर सॉल्ट का कभी कभी यूज करते हैं हम टाइट्रेशन में, तो
टाइट्रेशन में कभी कभी मोर सॉल्ट का यूज किया जाता है चीजों को एस्टिमेट करने के लिए, तो वहां पे इसका मोलोमास यूज हो सकता है मे बी। तो मोलोमास आपका इसका याद होना चाहिए, होता कितना है 392 ग्राम। नहीं याद होगा तो आप निकाल सकते हो ऐडअप करके, लेकिन ऐड करने का जो टाइम हो लगेगा, अगर आपको ये प्रोसेस ये अगर याद रहेगा तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसके बारे में हम लोग, जैसे जो डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट बेसिकली दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। दो सॉल्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब ध्यान देना, जब हम डबल सॉल्ट पे बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो उससे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना। तो यहाँ बोला कि एडिशन कंपाउंड्स, तो एडिशन कंपाउंड बेसिकली बनता कब है, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड को एक फिक्स रेशियो में आप मिक्स करते हो बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो जो फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड में ही डबल सॉल्ट आएगा और आएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल आगे सामने क्या है, एक दिया हुआ डबल सॉल्ट का पोटासियम। तो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइंस है कि डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान देना। जैसे कोई डबल सॉल्ट आप लोगे, तो डबल सॉल्ट लोगे तो उसको आप अगर पानी में डालते हो, वाटर में, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है पोटास एलम, तो पोटास एलम को डालोगे अगर वाटर में तो होता क्या है, आपको क्या क्या आयन मिलेगा, आपको पोटेशियम मिलेगा, आपको सल्फेट मिलेगा, आपको अल्मोनियम मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही आयन अगर आप पोटास एलम नहीं को छोड़ के आप इसको डाल दो, K2SO4 प्लस L2SO4 होल थ्राइस, इस मिश्र को भी आप डाल दोगे पानी में तो आपको आयन सेम मिलेगा, आपको आयन सेम मिलेगा। इसका मतलब आप आयन को देख करके ये नहीं बता पाओगे कि ये आयन इस मिक्सर से आया है, इस मिक्सर से आया है, या फिर इस ऊपर के डबल सॉल्ट से आया है। यानी आप आयन को देख के बैकवर्ड रिट्रेसमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ये सर्टनली नहीं बोल सकते हो कि ये जो आयन मिला है मेरे को पोटासियम से मिला है या फिर मिश्र से मिला है। यानी डबल सॉल्ट एक्को सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है, यानी उसका जो आइडेंटिटी पहचान था, यानी सो बैकवर्ड आप गेस नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ इसी डबल सॉल्ट से आया हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि डबल सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, एक्को सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ठीक, वही बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेसिकली क्या है, जैसे मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और लोग पता है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ब्रेक नहीं करता है, तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। अब इस दोनों पार्ट, इन दोनों आयन को देख कर तुम बैकवर्ड तो पहुंच सकते हो ना, तो दोनों आयन को देख करके तुम पीछे आ सकते हो, यानी बैकवर्ड तुम पहुंच सकते हो। तो इसलिए बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक्को सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। ठीक है, लूज नहीं करता है, क्यों, आपके एक्को सॉल्यूशन के आयन को देख करके आप पीछे यानी बैकवर्ड बैकवर्ड आ सकते हो, बैकवर्ड आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आइडेंटिटी लूज नहीं होता, कब, एक्वस सॉल्यूशन में, कब, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यार बेसिकली क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे पहचानते हैं, तो आप जहां भी ब्रैकेट देखो ना, ब्रैकेट जहां देखोगे हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रिप्रेजेंटेशन में ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है जी, तो आपके सामने जब डल सॉल्ट का हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज ऐड कर लेना आप लोग। ऐड क्या कर लोगे कि जो पोटास एलम, यानी जो एलम होता है, एलम का एक कॉमन फॉर्मूला होता है। एलम का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, तो एक कॉमन फॉर्मूला लिखा हुआ है M2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, एलम का कॉमन फॉर्मूला है, इसमें जो एम है एम का प्लस वन स्टेट का कटायन होगा, और जो एम डैश है एम डैश प्लस थ्री स्टेट का कटायन होगा, एम डैश है प्लस थ्री स्टेट का कटायन होगा। यानी इस एलम में दो कटायन होता है, एक होता है प्लस वन स्टेट का और एक होता है प्लस थ्री स्टेट का, दोनों का नंबर दो दो होता है, दोनों का नंबर दो दो होता है। ठीक है, और याद रखना ना यहाँ पे 24H2 है, तो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका उस वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ध्यान दोगे आपको जो एम प्लस है और एम डैश जो प्लस थ्री है, तो हर कटायन के पास, अब देखो एम प्लस दो कटायन है और
और एम प्लस थ्री भी, एम डैश प्लस थ्री भी क्या है, दो कटाइन है। तो आपके पास टोटल चार कटाइन है, दो प्लस वन स्टेट में और दो प्लस थ्री स्टेट में। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल जो 24 है, 24 में से हर कटाइन के पास छह वाटर पार्टिकल अरेंज होता है, छह वाटर पार्टिकल उसको सराउंड करता है। ठीक है, तो छह वाटर पार्टिकल हर कटाइन को सराउंड करेगा। ठीक, और यहाँ पे एक लिंकेज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन, यानी हर हर कटाइन पार्टिकल को छह वाटर पार्टिकल सराउंड कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कटाइन बहुत छोटा होगा, कटाइन बहुत छोटा होगा तो छोटे कटाइन के अराउंड छह वाटर पार्टिकल अरेंज होना बहुत मुश्किल है। मान लेते लिथियम, लिथियम साइज छोटा होता है, तो छोटे साइज के बगल में बड़ा बड़ा छह पार्टिकल वाटर का अरेंज नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एल आई प्लस या फिर जो छोटा कटाइंस होता है वो कभी भी एलम फॉर्म नहीं करेगा। एलम का एक कॉमन फॉर्मूला है, उसमें लिथियम फॉर्म नहीं करेगा। बाकी यहाँ देखो, ये पोटास एलम हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली बस पोटास एलम पढ़ते हैं, यानी पोटेशियम और अल्मोनियम का एलम पढ़ते हैं, बट बाकी भी एलम पॉसिबल है, आपको एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो एलम के लिए बेसिकली क्या है कि पोटास एलम के अलावा बाकी एलम भी एग्जिस्ट कर सकता है। बस एलम में क्या होना चाहिए कि आपका जो प्लस वन स्टेट का कुछ कटाइन, दो कटाइन होना चाहिए, और प्लस थ्री स्टेट का दो कटाइन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, तो एक चीज ध्यान दोगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लिथियम एलम क्यों नहीं फॉर्म कर सकता है, तो रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज, जो वाटर का जो छह पार्टिकल है उसके अराउंड वो अरेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एलम फॉर्म नहीं करता है। ठीक, अब ध्यान देना, बाकी हम लोग सीख चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करता है कब, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, बट जो डबल सॉल्ट है उसका आइडेंटिटी क्या होता है, लूज कर देता है कब, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि अगर डबल सॉल्ट रहेगा तो डबल सॉल्ट का जो आयन्स है, ठीक है, जितना भी आयन है सारे का टेस्ट देगा, सारे का टेस्ट देगा कब, एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे एलम है तो एलम का पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, एल प्लस थ्री हो गया, सारा आयन का टेस्ट देगा सॉल्यूशन में। ठीक है, और जब डबल सॉल्ट ब्रेक करता है तो सिंपल सिंपल आयन आपको मिलता है। जब बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ब्रेक करे तो ब्रैकेट तो ब्रेक नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे के फोर एफ सी सीन सिक्स था, तो के फोर एफ सी सीन सिक्स में अगर बात करते हैं तो उसमें ब्रैकेट ब्रेक नहीं करेगा, ब्रैकेट ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, इसमें के प्लस मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, एफ ई सी एन का होल सिक्स ब्रैकेट के ऊपर -4, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सारा आयन का टेस्ट पॉसिबल नहीं है, के का टेस्ट देगा बट आयरन प्लस टू जो है, आयरन का जो प्लस टू सेट है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो एफ ई प्लस टू का टेस्ट ए नहीं दे सकता है, ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दे विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन्स। ठीक है, और जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयनाइज करता है तो आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स आयन, क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, बाकी सिंपल सॉल्ट के बारे में आपको हम बता चुके हैं, सिंपल सॉल्ट के बारे में लोग बात कर चुके हैं, उसका जो रेशियो है रेशियो बता चुके हैं, रेशियो क्या सिग्निफाई करता है आपके लिए। ठीक, ये रहेगा ऑल अबाउट बेसिक बेसिक डेफिनेशन, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अब ध्यान दोगे, अगर अब हमारा फोकस होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हमारा फोकस होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हम ये बात हम लोग सीख चुके शुरू में ही कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को थोड़ा पहचानना सीखते हैं, और उसके अराउंड जो टर्म्स होता है उसको जानते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, एक है के फोर एफ सी एन सिक्स, क्या है के फोर एफ सी एन सिक्स, और एक है आपका सी एर सी आर यानी क्रोमियम एन एस थ्री का होल सिक्स ब्रैकेट बाहर में क्या है सी एल थ्री, ब्रैकेट बाहर में है सी एल थ्री। इन दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल एक लॉजिक है ताकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक बेसिक डेफिनेशन टर्म्स से आप लोग को यूज टू हो जाओ। ठीक, तो पहले देखोगे इन दोनों एग्जाम्पल में, इन दोनों एग्जाम्पल में ब्रैकेट के अंदर एक मेटल है, ब्रैकेट के अंदर एक मेटल है, ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, लेफ्ट वाले में क्या है आयरन है, और राइट वाले में क्या है क्रोमियम है। ठीक है, तो इस मेटल को बोला गया है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसको बोला गया सेंट्रल मेटल एटम, जनरली होता है डी ब्लॉक का। जनरली मेटल कहाँ का होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है जनरली किसे बिलोंग करता है? डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब ध्यान रखना आप लेफ्ट पार्ट पे फोकस करो, लेफ्ट पार्ट में। तो ब्रैकेट के बाहर पोटेशियम है, तो ब्रैकेट के बाहर जो आयन उसको बोला गया कटायन, क्यों चार्ज पे गया पॉजिटिव है। तो ब्रैकेट के बाहर जो कटायन दिख रहा हो यानी जो पॉजिटिव दिख रहा है उसको बोला गया कटायन बोला गया है। और राइट वाले में ब्रैकेट के बाहर सीएल है, तो सीएल पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, सीएल माइनस होता है, उसको हम बोलेंगे अनायन। यानी ब्रैकेट के बाहर अगर चार्ज पॉजिटिव होगा उसको बोलेंगे कटायन, और ब्रैकेट के बाहर अगर चार्ज नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल में पोटेशियम होगा कटायन और सीएल हो गया आपका अनायन। ठीक, इसमें से अगर पोटेशियम हटा दो, पोटेशियम हटा दो तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या आएगा? क्योंकि पोटेशियम पे चार्ज प्लस वन होता है ना, तो चार पोटेशियम पे क्या होगा? फोर प्लस होगा। इसको अगर हटा दोगे तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना होगा? फोर नेगेटिव आएगा। चार्ज बैलेंस करने क्या होगा? फोर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट जो है पूरा ब्रैकेट विथ चार्ज को बोला गया है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। उसके लिए नाम बोला गया है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या बोला गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कटायन को हटा दो तो ब्रैकेट पे जो भी बचता है यानी पूरा ब्रैकेट विथ चार्ज को बोला गया कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या बोला गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला गया है। सिमिलरली अगर राइट पार्ट में देखोगे तो राइट पार्ट में सीएल है, तो सीएल को हटा दो। सीएल कितना? तीन सीएल है, तो थ्री सीएल माइनस अगर हटेगा तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो जो पॉजिटिव आ रहा है इस पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? ये जो ब्रैकेट के साथ जो पॉजिटिव बना इसको बोलते हैं, इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या बोला गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो आप लोगों के टर्म्स समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी क्या बोलते हैं। तो ब्रैकेट विद चार्ज जो भी चार्ज पर आने वाला है उसको बोला गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या बोला गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसके अंदर अंदर का चीज भी इंक्लूडेड होगा, यानी Fe(CN)6 या फिर Cr(NH3)6, इसको आपको इंक्लूड करना है, इसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक, अब ध्यान देना, तो आपको कटायन किसको बोलते समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते समझ में आ चुका आप लोगों को, आप लोग सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोगों के पता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डालेंगे पानी में यानी वाटर में जब डालते हैं तो आपको पता है ब्रैकेट का पार्ट ब्रेक नहीं करता है, बस ब्रैकेट के बाहर से पार्ट ब्रेक करेगा। जैसे इसमें देखोगे इसमें पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, इसमें क्या, इसमें कौन निकलेगा? तो इसमें आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कटायन और जो आनायन होता है वो क्या होता है? आयनाइज करता है। तो जो चीज आयनाइज करेगा उसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी। तो अगर आपके पास आनायन हो या कटायन हो उसको बोला गया है आयनाइजेबल वैलेंसी, क्योंकि ये आयनाइज कर जाता है, पानी में क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, तो इसको बोला गया है आयनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, और समटाइम्स को बोलते हैं, समटाइम्स को बोला गया है प्राइमरी वैलेंसी। तो आपका जो कटायन या आनायन है उसको बोला गया है प्राइमरी वैलेंसी, या बोला गया है अनएजेबल वैलेंसी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं? तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर किसको बोला गया है समझ में आ चुका आप लोग को। ठीक, कटायन किसको बोलते हैं समझ में आ गया, अनायन किसको बोलते हैं समझ में आ चुका आप लोग को। ठीक है, और कटायन अनायन को हम बोलते हैं अनएजेबल वैलेंसी, या बोलते हैं लोग प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, उसी के अंदर टर्म आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान ना, जो ब्रैकेट के अंदर जैसे जो मेटल है क्रोमियम और आयरन, जो मेटल आपको दिख रहा है उसके साथ कुछ और भी तो है, तो उसके अंदर देखो ब्रैकेट आयरन के साथ एक देखो सीएन लिखा हुआ है, CN6, और यहाँ लिखा हुआ देखो अमोनिया 6 लिखा हुआ है, NH3O6। ठीक है, तो बोला गया है तो जो सीएन और जो अमोनिया है ब्रैकेट में मेटल के बाद, ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है, मेटल के अलावा कुछ और भी तो है, तो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। क्या बोला गया है? लिगेंड्स बोला गया है। तो ब्रैकेट के अंदर मेटल के जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अलावा जो भी रहेगा उसको बोला गया है लिगेंड। क्या बोला गया है? लिगेंड्स। ठीक है, अब जो आपको पता है कि लिगेंड्स का पार्ट क्या होता है? ब्रेक करता है क्या? नहीं, जब पानी में डालते हो तो बस आउटर पार्ट टूटता है ना, बस पोटेशियम या क्लोरीन बाहर निकलेगा, अंदर का पार्ट तो ब्रेक नहीं करता है। तो लिगेंड का बॉन्ड जो मेटल के साथ है वो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं ब्रेक करता इसको हम लोग आगे समझेंगे, क्यों नहीं ब्रेक करता है इसको हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, तो लिगेंड जो होता है लिगेंड्स को बोला गया है नॉन
आयनाइजेबल वैलेंसी, यानी पानी में आयनाइज नहीं करेगा, पानी में आयनाइज नहीं करता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिगेंड का अपना एक नंबर होगा, जैसे यहाँ पे सीएन एक लिगेंड है, तो सीएन का नंबर कितना, 6 नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ लिगेंड है उसको बोला गया है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला गया है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स को बोला गया है सेकेंडरी वैलेंसी, और उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी को बोला गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स पता कर लेना है। जितना लिगेंड्स होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितना लिगेंड्स दिखेगा वही हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखोगे इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको, इस केस में कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा होगा 6 दिख रहा होगा, कितना दिख रहा होगा 6। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आप लोगों, 6 आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको आप बोल सकते हो, जो 6 है उसको बोल सकते हैं इस केस में इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। और कंपाउंड में किसका, जैसे यहाँ देखो यहाँ क्रोमियम मेटल के अराउंड है 6, इसको बोलेंगे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 है, और यहाँ पे आयरन के पास 6 CN है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कंपाउंड में, कौन किस कंपाउंड में, K4Fe(CN) हॉल 6 में आपका 6 होगा। ठीक है, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब इसी को आपके एक और नोट्स में दिखाया हुआ है, जिसमें मैं जो आपके साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ समझाया हुआ है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किसको बोला गया है जी, चेक। तो जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है, जो लिगेंड होता है सेंटर एटम के अराउंड अरेंज होता है, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब इस पॉली, चूंकि लिगेंड और जो मेटल है उसका बॉन्ड होता है कोवेलेंट टाइप का, लिगेंड और मेटल का बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसका अपना एक शेप होगा, उसका अपना क्या स्ट्रक्चर होगा। फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लिगेंड होता है उसको हम एल बोल दे रहे हैं और मेटल को एम बोल दे रहे हैं। तो लिगेंड और मेटल में जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में ब्रेक नहीं करता है, वाटर में ब्रेक नहीं करता है, इसलिए लिगेंड का बॉन्ड मेटल के साथ ब्रेक नहीं करता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि लिगेंड और मेटल का बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं करता है, यानी आयनाइज क्यों नहीं करता। तो अब बोलोगे कि लिगेंड और मेटल का जो बॉन्डिंग टाइप है वो कैसा बॉन्डिंग टाइप है, आयनिक नहीं है, कैसा है, वो कोवेलेंट है। लिगेंड और मेटल का बॉन्ड टाइप क्या बोला गया है, कोवेलेंट बोला गया है, जिससे वो पानी में ब्रेक नहीं करता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप किसका, किस टाइप का होगा, तो बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का होता है। ठीक है, इसका बॉन्डिंग को हम डिस्कस करने वाले आगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका लिगेंड सेंटर एटम के अराउंड आएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसका इसका अपना डायरेक्शन होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन होगा तो मतलब क्या होगा, इसका अपना एक शेप होगा। तो शेप क्या क्या हो सकता है, तो शेप हो सकता है ऑक्टाहेड्रल शेप हो सकता है, टेट्राहेड्रल शेप हो सकता है, स्क्वायर प्लानर शेप हो सकता है, TBP मतलब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का शेप हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, यानी जो ज्योमेट्री या शेप जो अक्वायर करेगा उसके लिए बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब सेंट्रल एटम होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी बोला गया है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, तो सेंट्रल एटम बेसिकली होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब उसमें भी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, उसके पास हाई चार्ज होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए, और उसके पास वैकेंट डी होना चाहिए, यानी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, इस टर्म को हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ कुछ टर्म्स होगा जो आपको मे बी समझ में अभी नहीं आ रहा हो, उसको हम आगे आपको समझा देंगे इजली। ठीक, तो पहले आप देखो कि प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, और प्रोसेस होगा उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, पहले आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इस नोट्स में आप जब हम बात करें तो आपको क्या बोला गया है,
ना, तो लिगेंड्स क्या होता है वो समझ में आ चुका है। तो लिगेंड्स आर नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। क्यों ना, क्यों आयनाइज नहीं करता है? क्योंकि जो लिगेंड होता है, लिगेंड का और मेटल का बॉन्ड होता है, उसका टाइप क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा, ठीक है, उसको बोला गया है सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर बोला गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो अगला पॉइंट है, तो थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन जानना है लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड हो किसको हम बोलेंगे? तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि लिगेंड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर भी चूंकि क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, तो ध्यान देना, लिगेंड्स आर आयन और मॉलिक्यूल। लिगेंड्स आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, यानी उसके पास कम से कम एक लोन पर होना चाहिए डोनेशन करने के लिए। तो लिगेंड्स आर आयन और मॉलिक्यूल विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर टू डोनेट। तो लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पर होना चाहिए देने के लिए, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक। तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड कुछ पॉजिटिव भी, देखो लिगेंड कैन बी कटायन एंड लिगेंड पे चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख, NO+ का फिगर देखेगा तो NO+ में N पे प्लस जरूर है, बट N पे एक लोन पेयर भी है जिसको N आराम से दे सकता है। तो NO+ कटायन है, लेकिन क्या लिगेंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। कंडीशन क्या बोला गया? लिगेंड में बोला गया कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक। अगर बोलते हैं NH4+ लिगेंड होगा कि नहीं होगा? NH4+ लिगेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि एन के पास जब चार बॉन्ड तो बना दोगे एच के साथ, तो लोन पेयर खत्म हो चुका है और एन पे चार पॉजिटिव आ चुका है। तो कटायन है, बट चूंकि लोन पेयर नहीं है, इसको हम लिगेंड नहीं बोलेंगे। वही बात कर रहे हैं हाइड्रोजिन, तो हाइड्रोजिन इसको बोलते हैं NH2, तो ये लिगेंड हो सकता है। अगर हम कोई बोलेगा कि NH2 पे एक H+ हम अटैच करवा देते हैं, तो जब H+ अटैच होगा तो उसका एक लोन पेयर खत्म हो जाएगा, तो NH2, और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो पूछा जाए कि इसको हम लिगेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो हाँ इसको लिगेंड आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे जो आपको लोन पर दिख रहा है, आपको यहाँ पे लोन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोन पर है तो उसको आप लिगेंड बोल सकते हो, यानी हाइड्रोजिनियम आयन को आप लिगेंड बोल सकते हो। NH4 को लिगेंड बोल नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन था, उसका लोन पर तुम H+ को दे दिए, तो बन गया अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पे लोन पेयर नहीं है, तो इसको आप लिगेंड नहीं बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन में अगर H+ अटैच करोगे, तो हाइड्रोजनियम आयन जो बनता है उसमें एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचा हुआ है, तो उसके कारण उसको हम लिगेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड कटायन हो सकता है, बस होते उस पर एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक। सिंपली बात कर रहे हैं लोग, कुछ लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको दिख रहा होगा NO, तो एनओ भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सब पे कहीं के लोन पेयर है, इसको आप लिगेंड बोल सकते हैं। और इसको इन पे चूंकि कोई चार्ज नहीं है, तो इसको बोला गया न्यूट्रल। क्या बोला गया है? न्यूट्रल लिगेंड बोला गया है। कुछ लिगेंड होता है नेगेटिव अनायन होता है, एग्जाम्पल Cl-, OH-, सारे पे लोन पेयर कहीं ना कहीं है देने के लिए, NH2-, ठीक है, हैलोजन X-, ये सब कहीं ना कहीं लिगेंड बोल सकते हैं। एक होता है BF4-, इसको लिगेंड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे नहीं, इसको लिगेंड आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बोरोन पे है, उसको देखोगे ये बोरोन पे नेगेटिव कैसा है आपको समझना है, तो ध्यान देना। बी में अगर एफ हम ऐड करते हैं, तो 3 F ऐड करने पे क्या होता है? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली बच गया। अब मान लेते हैं कोई F- आयन है, ये अपना लोन पर जब देगा बोरोन BF3 को, तो बनता है BF4 BF4- बनता है। तो इस प्रोसेस में बोरोन पे कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब लोन पर नहीं है। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके अंदर बॉन्ड बना रहा है, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट इसके कारण इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा बोरोन पे, बट इस नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर फ्री नहीं है। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोरोन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है फ्लोरिन से, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो बॉन्ड में चला गया है, यानी फ्री स्टेट में नहीं, जिसको आप डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए BF4- को आप लिगेंड नहीं बोलोगे, ठीक है। जो चार्ज नेगेटिव को दिख रहा है, उसका मतलब लोन पेयर नहीं है,
इसलिए बी ए फोर माइनस को आप लिगेंड नहीं बोलोगे। ठीक, तो ये था। अब ध्यान देना, आपके जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपके जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक 2016 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2016 या 15 क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें से कौन लिगेंड नहीं है, विच कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ था सी ओ एन ओ सी एच फोर एन एच फोर प्लस। ठीक है, यहाँ पे वाटर ओ एच माइनस बी ए थ्री बी ए फोर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मान लो मतलब जे मिन में चार ही ऑप्शन दिया हुआ था, हम इसमें मल्टीपल करेक्ट डाल दिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो जे मिन का क्वेश्चन क्या पूछा, वो भी हम बता देंगे। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा लिगेंड नहीं होगा, तो बहुत सिंपल सा है ना, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो सी एच फोर में इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं तो लिगेंड नहीं होगा। एन एच फोर प्लस में भी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो भी लिगेंड नहीं होगा। और बी एफ फोर माइनस में भी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो क्या लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। तो ये तीन ऑप्शन होगा, बाकी सब लिगेंड की तरह हो सकता है। आपका जे में का जो क्वेश्चन था उसमें उसमें ऑप्शन था सी ओ था सी एच फोर था वाटर था और अमोनिया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। अब इसमें बोला गया इन चारों में कौन सा लिगेंड नहीं है, तो बहुत सिंपल था, कौन सा लिगेंड नहीं होगा जी, इन सब में आपको दिख रहा होगा लिगेंड कौन नहीं होगा, सी एच फोर। क्यों, सी एच फोर में कार्बन जब चार बॉन्ड बना लेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा नहीं जिसको आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपका सी एच फोर लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये था आपका जे मेन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को लिगेंड समझ में आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्पेशल बात होता है लिगेंड्स एनओ के बारे में। ठीक है, तो एनओ जो होता है, आपके पास एक एनओ लिगेंड होता है जिसको आपको एक इंफॉर्मेशन बोल रहा है जिसको आपको याद कर लेना है। तो ध्यान देना, जो एनओ लिगेंड होता है इसका दो फॉर्म पॉसिबल है, एक होता है एनओ प्लस और एक होता है एनओ न्यूट्रल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कभी प्लस फॉर्म में होगा और कभी न्यूट्रल फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान देना, तो ये जो प्लस फॉर्म में होता है कब पॉसिबल है, तो अब ये जनरली एनओ प्लस कब होता है, तो जनरली व्हेन व्हेन सेंट्रल एटम यानी सेंट्रल मेटल एटम जो इसका हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम जब क्रोमियम या आयरन हो, उस केस में आपका एनओ का स्टेट होता है प्लस वन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एनओ प्लस वन कब होगा, जब आपका सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम या आयरन हो, उस केस में आपका एनओ का स्टेट प्लस वन देना है आपको। ठीक है, जनरली इसी को याद रखना। कभी कभी क्योंकि क्या करता है ना, आपको मेटल बता देगा, आपको एनओ का स्टेट नहीं बताएगा। तो आप ध्यान देना कि अगर मेटल एटम अगर आयरन या क्रोमियम होगा तो आपका एनओ का स्टेट प्लस वन लेके चलना। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैक्सिमम जगह में सही हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन को गेस करने बोलेगा। तो गेस करने के लिए आपको हिंट हम दे दिए कि जब भी कॉपर एंड क्रोमियम होगा आपको सेंट्रल मेटल एटम, उस केस में एनओ का स्टेट क्या होगा, प्लस वन ले सकते हो। अब बाकी केस में क्या करना, एनओ का स्टेट लेना न्यूट्रल, क्या लेना न्यूट्रल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। ठीक है,